तो बच्चों, SVP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि MCC की या नीट UG 2024 की MBBS एंड BDS के लिए बेटा जो काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है इस वेबसाइट पर, mcc.nic.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा किसी और वेबसाइट पर नहीं जाना है। फिर जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, आपको होम, अबाउट, UG मेडिकल और आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा नोटिस द रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड वन ऑफ MDC, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको कहाँ जाना है, UG में अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। जैसे आप UG में क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके पास सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर UG मेडिकल काउंसलिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, कि आपके रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस, ओनली रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग नहीं हुई अभी, अभी चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं है, अभी क्या है, काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप है द रजिस्ट्रेशन ओनली। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, अभी डेट्स हैं बेटा, आप आज नहीं कर सकते, कल कर लें, परसों कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नीचे चलो, और जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो शेड्यूल दिखाई दे रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यू रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए लॉगिन का ये है जो आप देख रहे हो ये सिनेरियो, लेकिन आप तो फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे, है ना, तो लॉगिन कैसे करोगे, जब भी लॉगिन करोगे तो यहाँ से करोगे, लेकिन उससे पहले आपको अपना एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ठीक है। चलो, जहाँ पर अपना पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, सो यहाँ पर क्या आएगा, साइन इन, तो साइन इन तो अभी आपको करना नहीं है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक तो आप करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी टर्म एंड कंडीशंस आ जाएंगी, कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन को ठीक से पढ़ लिया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं आपके पास रेडी हैं, ओरिजिनल भी हैं, है ना, और जो भी आपने जानकारी दी है या देने वाले हैं वो सारी ऑथेंटिक होंगी, गलत नहीं होंगी, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करना है ये भी यहाँ पर इम्पोर्ट दिया हुआ है, कि पासवर्ड 8 से 13 शब्दों के बीच में होना चाहिए, एक अपर अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, एक लोअर भी होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर जो इन में से कोई भी हो सकता है। अब ये सेम वैसा ही हुआ जैसे कि आपने नीट के रजिस्ट्रेशन के दौरान भी जैसा एक पासवर्ड तैयार किया था। आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े, आप इस तरह के परेशानी में ना जाएं, पासवर्ड बनाने के बाद उसको कहीं ज़रूर लिख लें। चलो, अब ये सारी कंडीशंस के बाद आप लिखेंगे आई एग्री, और जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे ये आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगा, और जब ये आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगा तो फिर उसके बाद साफ साफ इसमें दोबारा से इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ डालने वाले हो वो सेम होने चाहिए जो आपने नीट UG के दौरान डाली थी, जो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। चलो, और मोबाइल नंबर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और ईमेल आईडी भी। चलो, फिर सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना नेम, अपनी मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एंड देन सिक्योरिटी पिन डालकर आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आप धीरे धीरे आगे प्रोसेस में नॉर्मल चीज़ें डालनी है अभी, ठीक है, सिर्फ पर्सनल डिटेल्स और ये सारी चीज़ें डालने के बाद ही आपकी कैटेगरी वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहाँ सामने आने लगेंगी, तो ज़्यादा फिक्र मत करो, बहुत सिंपल सा स्टेप है, है ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लो, अभी रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद फ़ी पेमेंट होगी वो करवा लीजिए, और बस उसके बाद बेटा आपको लास्ट